बीमारी की सही तरीके से जांच पड़ताल हो तभी हम उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म कर सकते हैं। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर मृत्युंजय पाठक, जो कि एक मेडिकल बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है मधुरिचा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो की कानपुर में है। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, नमस्कार, आपको धन्यवाद। तो जैसे कि आज मैंने बात की है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डिजीज, और अगर आज हम बात करें यूटीआई की, तो यूटीआई के लिए दो टेस्ट हमें बोले जाते हैं, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर। इसके बारे में कुछ बताइए सब। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि यूटीआई के लिए यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर होता है, तो दोनों में बहुत बेसिकली सा अंतर है। एक्चुअली यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट्स आ जाती है और हम एकदम पता लगा लेते हैं कि यूटीआई है या नहीं है। बेसिकली यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया के द्वारा हमारे यूरिन ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे टॉयलेट जाते टाइम ईचिंग होती है या कभी कमर में पेन होने लगता है, फीवर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें यूटीआई से हो जाती हैं। यूरिन एग्जामिनेशन, जैसा कि यूरिन एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग रिसेंटली पता लगा लेते हैं कि यूटीआई का इन्फेक्शन है पेशेंट में या नहीं है। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन महिलाओं में होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो बेसिकली ये सामान्यता बीमारी है, जिससे कोई डरने की और घबराने की बात नहीं है, ये सामान्यता हो ही जाती है क्योंकि हम लोग बाहर का खाते हैं, बाहर से ड्रिंक लेते हैं, तो बाहर भी जाते हैं और जो अदर हम लोग मॉल्स में वॉशरूम यूज कर लेते हैं या एयरपोर्ट पे या फिर रेलवे स्टेशन पे हम लोग वॉशरूम यूज कर लेते हैं, तो यूटीआई हो जाता है। और कॉमनली ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, कॉमनली उसके द्वारा ये फैलता है। उसके बाद जो आपने कल्चर, यूरिन कल्चर और यूरिन रूटीन की रिपोर्ट्स है, वो कितने घंटों में आ जाती है सर? बेसिकली क्या है, यूरिन जो एग्जामिनेशन की आपने बात कही थी, तो मैं आपको बताऊंगा यूरिन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट विद इन 2 आवर्स में आ जाती है, और जो यूरिन कल्चर होता है उसके उसमें टाइम लगता है। इसीलिए यूरिन एग्जामिनेशन को स्क्रीनिंग कहते हैं और कल्चर अलग रिपोर्ट होता है। कल्चर में 24 आवर्स से 48 आवर्स लगते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो 48 आवर्स से 72 आवर्स भी लग जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया करने के बाद हम लोग एंटीबायोटिक्स भी लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट को पता चलता है कि ये पेशेंट इस एंटीबायोटिक से जल्दी क्योर हो सकता है। तो ये पूरा एक फॉर्मेट होता है, तो ये प्रॉपर 24 से 72 आवर्स का एक पूरा टाइम पीरियड होता है कल्चर। अच्छा सर, ये बताइए कि यूरिन कल्चर टेस्ट में और क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल्स में, और क्या ये सिर्फ यूटीआई के पर्पस से किया जाता है? बिकॉज जितना मुझे पता है पस सेल्स पता लगते हैं। कि जो पस सेल्स की आप बात कर रहे हैं वो यूरिन एग्जामिनेशन में हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, बट कल्चर जो माइक्रोबायोलॉजी का एक कल्चर पार्ट है वो हम पूरे बॉडी के हर पार्ट से करते हैं, बट जो यूरिन का कल्चर है वो बेसिकली हम लोग यूटीआई के लिए ही करते हैं। कल्चर के बाद हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया इस यूटीआई को कर रहा है, जैसे आपका इकोलाई हो गया, क्लैप्सिला हो गया, प्रोटियस मिराबिलस हो गया, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो स्पेसिफिकली हम लोग उस बैक्टीरिया को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके बायोकेमिकल्स प्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम एंटीबायोटिक उसका ससेप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंसी टेस्ट लगाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो पेशेंट है यूटीआई का जो पेशेंट है वो किस मेडिसिन से जल्दी क्योर हो जाएगा। तो हम लोग लेवल से एंटीबायोटिक्स उसको लगाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो बेसिकली कानपुर में मैं बहुत ही एक अलग तरीके से कल्चर करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अभी हमारी रिपोर्ट्स को कोई छू नहीं पाया है। तो हम लोग ग्रेड सिस्टम भी देते हैं, आइसोलेशन कॉलोनीज भी देते हैं, पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चर में हम लोग करते हैं। तो मोस्टली जैसे आपने कहा कि यूटीआई के लिए ही यूरिन कल्चर होता है। एंड सर, अगर जो भी यूटीआई का ट्रीटमेंट है, क्या वो यूरिन कल्चर रिपोर्ट पर ही बेस्ड होता है? और अगर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन सर क्लियर आया है, तब भी क्या लोग कल्चर कराते हैं? मतलब यूटीआई का जो डायग्नोसिस है, क्या वो दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पर होता है? बिल्कुल 100%, 100% आप जो कह रहे हैं, वो जो यूटीआई का रिपोर्ट है वो दोनों
दोनों टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक स्क्रीनिंग होता है, दूसरा उसके बिहाफ पे पूरा 100% एक्यूरेसी वाला जो रिपोर्ट होता है। जो एक्यूरेसी की बात करेंगे वो हम लोग कल्चर पे ही जाएंगे, क्योंकि यूरिन एग्जामिनेशन केवल हमें ये बताएगा कि इस पेशेंट को यूटीआई है, बट किस बैक्टीरिया से है, किस प्रॉब्लम से है, कितना बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ कर चुका है, तो उन सब के लिए कल्चर का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पेशेंट को हमेशा दोनों टेस्ट कराने चाहिए, यूरिन एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए और यूरिन कल्चर भी कराना चाहिए। तो दोनों टेस्ट एक दूसरे से कोरिलेट है और दोनों को कराना चाहिए। आंसर, अगर जिसको यूटीआई नहीं भी है, अमूमन आप सभी महिलाओं को क्या ये रेकमेंड करेंगे कि वो यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर या यूरिन की जांच कितने इंटरवल्स में करवाएं? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, महिलाओं को एक्चुअली मंथ में एक बार जरूर अपना यूरिन एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, मंथ में वन टाइम, क्योंकि वो लोग बेसिकली बाहर जाते हैं। तकलीफ नहीं है तब भी करवा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, करा लेना चाहिए। अपने हेल्थ को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है, कोई महंगा भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, स्क्रीनिंग से पता चल जाएगा। अगर स्क्रीनिंग आप प्रॉपर कराते रहेंगे, कभी छोटा सा भी इन्फेक्शन आता है तो आप जल्दी क्योर कर लेंगे, वही इन्फेक्शन अगर धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो मेरा मानना यही है कि मंथ में या फिर क्वार्टरली या फिर सिक्स मंथ में करा लेना चाहिए, प्रॉब्लम हो या ना हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फुल बॉडी टेस्ट ही करा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप यूटीआई की बात करेंगे तो यूरिन एग्जामिनेशन 100% कराना ही चाहिए, जिससे सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, एंड सर, ये जो टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं है, सो सुबह जब भी आप बेसिकली सैंपल देते हैं तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या दिन में कभी भी सैंपल दे सकते हैं, सैंपल देने से पहले क्या हम पानी पी सकते हैं, या मॉर्निंग में फर्स्ट सबसे पहले उठते वही सैंपल देना चाहिए? बेसिकली बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि हमको सैंपल कैसे और कब देना है। हमारा जो यूरिन का टेस्ट का सैंपल है वो हमको मॉर्निंग में फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट यूरिन जाते समय थोड़ा सा यूरिन पास आउट हो जाए, उसके बाद बीच का जो यूरिन होता है उसमें से हम लोग 3-5 ml, मतलब जब हम मतलब उसको पहले तो सबसे पहले सैंपल देने का प्रोसेस है कि आप 24-48 hours कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसको बंद कर दें। उसके बाद मॉर्निंग का पहला सैंपल, वो भी मिड का सैंपल, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं थोड़ा यूरिन होने के बाद, बीच का सैंपल 2-4 ml। अगर आपको यूरिन एग्जामिनेशन और कल्चर कराना है तो 2-4 ml आपको यूरिन, वो भी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टराइल आपका कंटेनर होना चाहिए, और वो भी स्टराइल कंटेनर आप किसी भी डायग्नोस्टिक से ही ले तो बहुत बेहतर होगा। तो उस कंटेनर में आप यूरिन का पहला सैंपल सुबह उठ के दें तो सबसे बेस्ट रिपोर्ट आती है। मतलब और सैंपल सर कुछ खाना पीना नहीं है उससे पहले, पानी नहीं पी सकते? नहीं, कुछ नहीं करना है, पहला सैंपल आपको देना है। पानी तो पी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पिएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। बेसिकली जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी है कि आप कुछ खाइएगा पिएगा नहीं, पानी भी नहीं लीजिएगा। आप जैसे ही उठते हैं फर्स्ट यूरिन जाइए, थोड़ा सा पास होने के बाद मिड का यूरिन दीजिएगा, स्टराइल कंटेनर होना चाहिए आपका, और वो भी मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उस सैंपल को अगर लैब में जाके किसी भी डायग्नोस्टिक्स या पैथोलॉजी लैब में जाके देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यूरिन का सैंपल जितना जल्दी लैब पहुंच जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा, उतनी बेस्ट रिपोर्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पर जैसे डॉक्टर पाठक ने बताया कि मिड स्ट्रीम यूरिन का सैंपल अगर आप देंगे तो रिपोर्ट की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, जो मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर पाठक, वो ये है कि और कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डिटेक्ट होते हैं, या यूटीआई के अलावा और कौन से छोटे छोटे इन्फेक्शन है जो किडनी से जुड़े हुए हैं, या कोई और बीमारी का जो अंदेशा देते हैं जो इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें पता लग सकते हैं? बेसिकली मैं आपको बताऊं, किडनी और लीवर दोनों ही अगर यूटीआई है तो दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं आपके। किडनी भी इससे इन्फेक्टेड होती है और लीवर इन्फेक्टेड होता है, तो आपको स्टमक पेन भी होगा, आपको कमर में भी दर्द होगा, आपको टॉयलेट जाते समय इचिंग होगी, पेन होगा, फीवर भी आपको 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेसिकली तो यूटीआई के लिए यूरिन कल्चर होता है, लेकिन अगर और अदर जो आप कल्चर कराना चाहेंगे उनसे बहुत सारी बीमारियों का भी पता चलता है कि किस बैक्टीरिया से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक, आपने जैसे हमें बताया, सारे सवालों के जवाब दिए, अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारी सभी दर्शकों को दी, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि सभी दर्शकों को डेली अपडेट होता रहे, उनके स्वास्थ्य के
प्रति वो जागरूक रहे और पूरा भारत स्वस्थ रहे और एकदम बढ़िया रहे, फिट रहे। और जैसा कि सभी लोग अभी समय कर ही रहे हैं, फिट इंडिया वाला स्किल चल रहा है, तो सभी लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है, सब लोग स्वस्थ रहें। बिल्कुल, और कहते हैं कि जिसके पास स्वास्थ्य का वरदान है उसे और किसी वरदान की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पाठक। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने अभी स्वास्थ्य के बारे में बताया, मेरा यही मानना है कि अगर आपको सफल होना है तो पहले आपका स्वास्थ्य सही होना बहुत जरूरी है। सफलता के लिए स्वास्थ्य का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर पाठक, जिन्होंने आज हमें बताया अबाउट यूरिन एग्जामिनेशन, और हर महिला को महीने में एक बार ये जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी या इन्फेक्शन ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा।